चित्रकूट में 2000 का नोट बदलने के मामले में पंप मालिक द्वारा 2000 के नोट पर 1500 रुपए का डीजल या पेट्रोल भरवाने की शर्त का नोटिस चस्पा कर दिया गया था। मुख्यालय के स्टेशन रोड स्थित पेट्रोल पंप में 2000 के नोट को लेकर चस्पा फरमान की खबर प्रसारित होने के बाद मालिक ने नोटिस को हटाया। चस्पा नोटिस में फरमान लिखा था कि 2000 के नोट पर 1500 तक का पेट्रोल डीजल लेना अनिवार्य होगा। जिस संबंध में खबर चली और प्रशासनिक दखल के बाद पंप मालिक ने नोटिस को हटा लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या दीवार से चस्पा नोटिस हटी है या फिर मालिक ने फरमान पर भी रोक लगाई है। पंप के कर्मचारी ने बताया कि लोग 2000 का नोट देकर 50 या 100 का तेल डलवाते हैं, जिसके कारण फुटकर की भी समस्या आती है। वैसे अधिकारी इस मामले में जवाब देने में कतराते रहे। जिला पूर्ति अधिकारी संजय मिश्रा ने कहा कि मामला संज्ञान में है, सभी पेट्रोल पंप मालिकों को इस मामले में सख्त हिदायत दी गई है। गुलाब गुप्ता नाम है मेरा, ये शंभुबाबू पेट्रोल पंप के नाम से जाना जाता है, वैसे नरेंद्र कुमार राजेंद्र कुमार का पेट्रोल पंप है। अगर ऐसा कोई आदेश लगा था तो ये बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए भी है, 2000 का नोट अभी प्रचलन से बाहर हुआ नहीं है, प्रचलन में है, बैंक भी 2000 का नोट ले रहा है, इसलिए इनको नोट ले करके कस्टमर से बैंक में जमा करना चाहिए था। ऐसा कोई आदेश पूरी तरह से गलत है। अगर हाँ हाँ जरूर कहा जा सकता है, व्यक्ति की आज़ादी पर चोट पहुँचाई जा रही है, अगर ऐसा किया जा रहा है तो बिल्कुल गलत किया जा रहा है। डॉक्टर चंदन गुप्ता। ये गलत है, टोटल गलत है। ये सरकार का फरमान है, इसमें जो है आप लोग को जो ना अपनी सुविधा के लिए अगर इस तरह की हरकत करते हैं ये गलत बात है। ये सुविधा के लिए है, अगर चलन से बाहर नहीं हुआ है बिल्कुल सुविधा के लिए है। अब इसमें अगर कोई अपनी मोनोपोली करता है या बेईमानी करता है तो गलत बात है ना, उसमें कोई आदमी क्यों किया होगा, ये इनका अपना स्वार्थ होगा, सीधी सी बात। दिक्कत इतनी ज़्यादा है कि आदमी के पास यहाँ खुद को गर्मी में पैसे नहीं है, यहाँ पे आदमी कमाई साधन नहीं है, तो फिर आदमी कहाँ से देगा एक्स्ट्रा पैसे, कोई नहीं देगा। बिल्कुल, अभी दो दिन पहले यहाँ एक नोटिस चस्पा थी जिसमें लिखा था कि यदि आप 2000 का नोट लेकर डीजल या पेट्रोल भराने आते हैं तो उसमें आपको ये बाध्यता होगी कि आपको उसमें 1500 का डीजल या पेट्रोल भराना होगा तभी पेट्रोल आपको मिल पाएगा, नहीं ये नोट चलन नहीं लिया जाएगा। जबकि सरकार के द्वारा इसके लिए नोट चलन से बाहर नहीं किया गया, अभी इसके लिए समय है 3 महीने का, बावजूद इसके भी इन्होंने एक फरमान जो लगा रखा था यहाँ पे, अब तो फिलहाल इन्होंने शायद हटा दिया। जिस भी कहाँ तक का ये ठीक है ऐसा फरमान जारी उन्होंने कहाँ तक? जी बिल्कुल, इसमें जो है देखिए फरमान दिक्कतें होती थी लोगों को, अब हमें 2000 का नोट हम लेके आए, हमें 1500 का तेल हमारी बाइक में आएगा कैसे, या मजबूरी है लोगों की। कुल मिला के इनकी तरफ से ये था कि अगर 1500 का तेल आप लेते हैं तो ही ठीक है, नहीं तो नोट चलन से बाहर है। स्पीकर चिपका हुआ था 2000 के नोट में 1500 का पेट्रोल या डीजल दिया जाएगा जी, क्या सर क्यों लगाया गया था? इसलिए लगाया था भैया कि 2000 हर आदमी लेके नोट आता है तो उसमें खुलने के लिए दिक्कत होती है। लोग तो बोलते हैं कि 50 रुपये का पेट्रोल डालिए और हर आदमी 2000 का नोट देगा, इस कारण से खुलने की अव्यवस्था पैदा हो रही है। बाकी 2000 का नोट लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हटा दिया गया इसलिए कि अब लोग कहते हैं परेशान करते थे, हटा दिया गया था। नहीं नियम ये नहीं है, नियम ये है कि आप 2000 का नोट प्रति आदमी न दे और आप पेट्रोल खूब डलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। रमेश कुमार। आदेश चिपका हुआ था आपके पंप में 1500 का तेल डालेगा 2000 के नोट में, क्यों लगाया गया था, क्या वजह थी? मालिक हमारा लगवाया है ना, पेट्रोल टपक गया, कोई वजह है? वो हमसे पूछ लिया, लगा दिए 100 रुपए का तेल डला है, हमारे पास कुछ खुला नहीं आ रहा है। हमको क्या मालूम कौन हटा दिया, हमको क्या मालूम कौन हटाया। वधु वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां,
एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वियर साड़ियाँ एंड ड्रेसेस। कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियाँ, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियाँ अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम, जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।